अधिकारों के प्रति ये जागरूक लोग हैं। ये देखिए ये भीड़ जो है ये जागरूक लोगों की भीड़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और ज्यादातर जो है देखिए युवा जो आपको नजर आएंगे। देखिए वो तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। करणी सेना के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसके जवाब में देखें आप कि भीम आर्मी ने किस तरह से खेल दशहरा मैदान भोपाल को नीला कर दिया है। ये देखें तस्वीरों में आप, जहाँ तक भी नजर जाएगी आपको वही चीज दिखाई देगी, पूरा नीला नीला कर दिया है। देखिए ये तस्वीर देखिए, मैदान में जितने लोग बैठे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग खड़े भी हैं और ये तो अंदर की भीड़ है। इसके बाद आप देखें वहाँ दीवारों पर भी लोग बैठे हुए हैं और अभी लोग निरंतर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो ये कई लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर आज उमड़ी हुई है। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि जो है पूरी भीड़ के बीच चल करके एक बार आपको दिखाया जाए, क्योंकि देखिए जितनी दूर पे भी आप जाएंगे आपको सर ही सर दिखाई देंगे, सिर्फ नीला ही नीला दिखाई दे रहा है, नीला और पीला। ये आज बड़ी हुंकार यहाँ से चंद्रशेखर आजाद भरेंगे आरक्षण और एस सी एस टी एक्ट के समर्थन में। तो देखिए ये महापुरुषों को पढ़ा है, हम मंच की तरफ जा रहे हैं और देखें आप किस तरीके से जो है लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे वॉलंटियर साथियों को मैं कहना चाहूंगा जिनके पास दुनिया की कार्ड है मंच के, उन्हीं के लिए मंच पर बैठे और व्यवस्थित तरीके से जो है देखिए लोग बैठे हुए हैं। देखें एक बार आप भीड़ को, ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपनी जगह ले चुके हैं और एक बार मंच की तरफ भी हम लोग चलेंगे और एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो है वो भीड़ है। देखिए तमाम लोग जो है ये जयस के लोग भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में आपको नजर आएंगे और एक बार मैं आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए तमाम जो लोग हैं वो अधिकारों के प्रति ये जागरूक लोग हैं। ये देखिए ये भीड़ जो है ये जागरूक लोगों की भीड़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल का नजारा देखिए। और हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे ही जो ये जोश है वो युवाओं में आपको बरकरार देखने को मिलेगा और ज्यादातर जो है देखिए युवा आपको नजर आएंगे। देखिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो लगभग खराब हो जाएगी क्योंकि लोग जो है उत्साहित हैं काफी, तो हमें किसी और रास्ते से जो है निकलना पड़ेगा मंच की तरफ, मंच की तरफ और रास्ते से निकलना पड़ेगा क्योंकि लोग जो है वो काफी उत्साहित हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक बार को शायद व्यवस्था खराब हो गई हो। देखिए झंडे और डंडे के साथ जो है भीम आर्मी के लोग जो है वो तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए।
हेलो। तो देखिए मैदान से थोड़ा सा बाहर हमें आना पड़ा है क्योंकि व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं खराब हो रही है। नारा लगाएंगे और ये बाहर जय 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 भीम, मध्य प्रदेश के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने यह दिखा दिया है जो मान्यवर हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने। आपको मंच देखिए कि किस तरह से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाई गई है। ये पीछे का दरवाजा है और यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है रास्ते को सेफ किया हुआ है और आजू बाजू में लोग आपको जो है यहाँ पे नजर आएंगे और पूरा हर चीज का ख्याल यहाँ पे रखा गया है। किस तरीके से जो है वो लोग यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। जो मीडिया की जगह है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सोचने में हो जाए ये रैली सच में ऐतिहासिक रैली बन जाए। साथियों जय भीम जय संविधान। अब देखिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंच एक बार देखेगा। साथियों आप सभी के बीच बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। खुद के वॉलंटियर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। माननीय चंद्रगुप्त मौर्य जी लीगल चेयर अध्यक्ष दिल्ली से अनुरोध है कृपया मंच पर आए और अपने विचार रखे। माननीय चंद्रगुप्त मौर्य जी लीगल चेयर दिल्ली अध्यक्ष। देखिए अभी दोपहर का नजारा है और भीड़ अभी कितना आंकड़ा बढ़ाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। जो अंदाजा लगा रहे थे कि लाखों लोग इकट्ठा होंगे तो लाखों से ज्यादा लोग तो यहाँ पर अभी इकट्ठा हो चुके हैं। सभी को जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। इस बार आजाद समाज पार्टी और मैं हमारी बहन से निवेदन करता हूँ दिल से जो इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं वो मंच पर आ चुके हैं। माननीय मध्य प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बड़े बहुत सुनील रस्ते जी आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आरक्षण 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 करणी सेना के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसके जवाब में देखें आप कि भीम आर्मी ने किस तरह से हेल दशहरा मैदान भोपाल को नीला कर दिया है। ये देखें तस्वीरों में आप लगातार जो है भीड़ बढ़ने पर ही है और ये मंच यहाँ पर तैयार है और कुछ ही देर में चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर जो है पहुंचेंगे। देखिए बहुत लंबा जहाँ तक भी नजर जाएगी आपको वही चीज दिखाई देगी। पूरा नीला नीला कर दिया है। देखिए ये तस्वीर देखिए मैदान में पूरे नीले झंडे और बहुत जितने लोग बैठे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग खड़े भी हैं और ये तो अंदर की भीड़ है। इसके बाद आप देखें वहाँ दीवारों पर भी लोग बैठे हुए हैं और अभी लोग निरंतर यहाँ पर जुट रहे हैं तो ये कई लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर आज उमड़ी हुई है और इंटरनेट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नेटवर्क स्लो है तो वीडियो आपको लेट मिल पाएंगे लेकिन मिलेंगे ज़रूर और आपको देखना चाहिए कि किस तरह से भोपाल में भीम आर्मी ने जो है अपना जोहर दिखाया है। तमाम SC ST OBC जिसमें मुख्य रूप से जयस और OBC महासभा शामिल है और कुछ ही देर में अब चंद्रशेखर आजाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखें पुलिस प्रशासन अलर्ट है बिल्कुल और इस रास्ते से चंद्रशेखर आजाद आएंगे जहाँ आपको झंडे दिख रहे हैं और जो वॉलंटियर्स हैं वो आप देखें किसी भी अन्य व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और पूरी जान करके ID चेक करके या कोई स्पेशल कार्ड ऐसा होता है उसके बाद ही जो है यहाँ मंच पर एंट्री दी जा रही है। हमें भी काफ़ी मशक्कत हुई यहाँ तक पहुँचने में और अब ये वीडियो हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इंटरनेट इस समय आज बंद है 12 फरवरी को यहाँ भोपाल के अंदर तो ये वीडियो आपको लेट मिलेंगे और एक बार देखिए किस तरह से आक्रामक भाषण यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो हम दावा करते हैं हम अनुरोध करेंगे 46 चंद्रशेखर साहब से इस
सारे यहाँ से आप जगह शुरू करेंगे, जितने लोग बैठे हैं उससे बराबर या उससे अधिक लोग मैदान में खड़े हुए भी हैं, बहुत लोग मैदान में बाहर हैं। बहुत कुकर्मी है ये कर्णी सेना और संगठनों का, कांग्रेस ने कुकर्मी है। बाबा साहेब अंबेडकर जब संविधान बनाने की कोशिश कर रहे थे, आप